और कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, बिकरू कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। विकास दुबे समेत चार एनकाउंटर में क्लीन चिट मिली है। जांच में सही ठहराए गए सभी एनकाउंटर। डीएम के आदेश पर न्यायिक जांच हुई थी और गठित न्यायिक आयोग को भी जांच भेजी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच टीम भेजी गई थी और जांच टीम को क्लीन चिट मिल गई है। अब तो कानपुर के विकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस ने किया था और उस एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए थे, जिसकी जांच के लिए टीम गठित की गई थी और उस टीम ने अब पुलिस को क्लीन चिट दे दिया है। विकास दुबे समेत चार एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए गए थे और जिसके बाद जांच के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम ने सभी एनकाउंटर सही पाए हैं और कानपुर पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। तथा विकास सुलेमन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। विकास, कानपुर के विकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके साथियों का जब कानपुर की पुलिस ने एनकाउंटर किया था तब बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, जिसके लिए एक न्यायिक टीम का गठन करना पड़ा था जांच करने के लिए उस एनकाउंटर का। अब उस टीम की रिपोर्ट आ चुकी है। जो एनकाउंटर हुए थे वो सही पाए गए हैं। कानपुर पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। जी धीरेन्द्र, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक न्यायिक आयोग को गठन किया गया था, जिसमें कि जो विकास दुबे सहित उनके जो तीन और अन्य साथी थे, चार लोग का जो पुलिस ने एनकाउंटर किया था उसपे सवाल खड़े हो रहे थे, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ये टीम गठित करके इसकी जांच बोली थी। जांच में जब रिपोर्ट सामने आए तो उसमें पुलिस को जो दोषी बनाया गया था उसमें, तो पुलिस को जांच रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब पुलिस ने जो भी किया सही एनकाउंटर किया है और जो न्यायिक प्रक्रिया थी उस पर पूरा भरोसा जताया गया है। जी विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।